देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो सरकार निडर निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है और राज्य में कई चुनौतियों को देखते हुए सरकार सभी चुनौतियों को और सभी बाधाओं को पार कर रही है। कोरोना का संक्रमण आप सब लोगों ने देखा, कितने सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पार किया। सरकार आपके द्वार का पहला चरण कितना सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस पर काम किया। आज फिर दूसरा चरण हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का प्रारंभ कर रखा है और इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता, जहाँ तक मुझे लगता है राज्य में कोई अस्थिरता की बात नहीं है, सभी चीज़ें सामान्य हैं और सामान्य रूप से चल रही है। अगर ये अस्थिरता होती तो राज्य के अंदर जो स्थिति थी, जो स्थिति है अभी, आज आप जाके देखिए, जिलों में जाइए, पंचायतों में जाइए, प्रखंडों में जाइए, क्या चहल पहल है। आज हमारे सरकार की योजनाओं के की जो शिविरों में है, वहाँ जाके देखें कि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति है कि क्या है। ये आर्टिफिशियल बवंडर है। आप सब लोगों ने जो राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहाँ मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जा कर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं कि आज हमारे लिए कौन सी सजा आपने मुकर्रर किया है। ये जो वातावरण तैयार आपको लगता है, ये वातावरण हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया, ये हमारे विरोधियों के द्वारा जो बेचैन आत्मा की तरह भटक रहे हैं और षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुजरिम को सजा मांगने का रिक्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं सजा हमें सुना दिया जाए। ये अनिश्चितता और इस तरीके का वातावरण राज्य के कार्यपालिका के अंदर एक संशय की स्थिति अगर उत्पन्न करने का किसी को जिम्मा है, किसी की जवाबदेही है, तो वो जवाबदेही आप समझ सकते हैं कि किसकी है। इसलिए मुझे उस विषय पर कोई चिंता नहीं है, बस चिंता ये है कि अगर मैं गुनहगार हूं और इतने दिनों तक मुझे सजा ना सुनाया जा रहा है, तो आज मैं इस पद पर
किस हैसियत से बैठा हूं, इसका जवाब जिसको सजा देना है उनको देना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।